अरविंद केजरीवाल जी का और संदीप पाठक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, और पूरा मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का गुड़गांव का संगठन, फरीदाबाद का संगठन, मानेसर का संगठन, सब मिलकर इन तीनों निगम के चुनाव को हम जीतेंगे, बहुत मेहनत के साथ जीतेंगे। मैं साथ में फरीदाबाद की जिम्मेदारी अशोक तंवर जी को दी गई है, मानेसर की जिम्मेदारी निर्मल सिंह जी को दी गई है, सभी साथी मिलकर मेहनत करेंगे और इन तीनों निगमों को, क्योंकि जल्द चुनाव होना है, जीतेंगे। वहाँ की समस्याएं जो हैं, गुड़गांव में विशेषकर पानी भरने की समस्या है, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, गुड़गांव के अंदर कूड़े की समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे और एक बेहतर गुड़गांव बनाएंगे। आम आदमी पार्टी संगठन के पुनर्निर्माण में लगी हुई है, क्योंकि परिवार बड़ा है, अनेकों नए लोगों ने सदस्यताएँ ली हैं, अनेकों पुराने साथी भी नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो जब परिवार बढ़ता है तो सबको समायोजित करके चलना पड़ता है। इसलिए इस संगठन का पुनर्निर्माण करें ताकि सबको जिम्मेदारियां दी जा सके और सब मिलकर मेहनत करें। सर, जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि चुनावों में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला आम आदमी पार्टी का, आपको विश्वास है कि गुरुग्राम में भी जो चुनाव है, फरीदाबाद, मानेसर में आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने की बात करती है, अच्छा पानी देने की बात करती है, फ्री देने की बात करती है, अच्छी एजुकेशन की बात करती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करती है। मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत हैं, परंतु आम आदमी के लिए सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर के बेड नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। तो ये बेसिक समस्याएँ हैं जिसको हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए। इतना रेवेन्यू गुड़गांव से आता है, परंतु वहाँ पर सरकारी फैसिलिटी क्यों नहीं है? सरकारी फैसिलिटियाँ भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सत्ता का संघर्ष नहीं है, व्यवस्था बदलने के संघर्ष के अंदर जुड़ी है, और यहाँ की व्यवस्था भी हम बदलेंगे, पूरे विश्वास के साथ बदलेंगे। के लिए बता दूँ, अभी सबसे लास्ट चुनाव जिला परिषद का चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी नंबर दो पे रही थी। इससे पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी नंबर दो पे रही थी। 2024 में और 2023 के बाकी चुनाव में नंबर वन पे आने वाली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।